जहां आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। 12:30 बजे एकात्म परिसर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। भूपेश सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए जाएंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। 12:30 बजे एकात्म परिसर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। तो भूपेश सरकार पर लगातार वादा खिलाफी के आरोप बीजेपी के कई नेता लगाते आए हैं और अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भूपेश सरकार को घेरा जाएगा, वादा खिलाफी का आरोप लगाया जाएगा, क्योंकि लगातार बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर है। कहीं ना कहीं जब से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था उसके बाद से ही कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर भूपेश सरकार को घेरा जा रहा था। एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय वादा खिलाफी का आरोप भूपेश सरकार पर लगाने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कवर्धा से खबर, जहां पुलिस विभाग में तबादले हुए हैं। 3 सब इंस्पेक्टर, 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 149 आरक्षकों का तबादला किया गया है। तो एसपी मोहित गर्ग ने इन तबादलों की जानकारी दी है। 3 सब इंस्पेक्टर, 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 149 आरक्षकों का तबादला किया गया है। तो पुलिस विभाग में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए बड़ी संख्या में ट्रांसफर्स हुए हैं। लंबे समय से एक ही थाने में आरक्षक जो डटे हुए थे उन्हें अब इधर उधर ट्रांसफर किया गया है, जिसके चलते 3 सब इंस्पेक्टर, 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 149 आरक्षकों का तबादला हुआ, ताकि प्रशासनिक कसावट लाई जा सके।